Hello my dear friends, today I am going to tell you how to make this type of beautiful wall decor idea with Chris Samuels. ये पुराने दियो से बनाया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं. Let's start. Required material, beads, ये मोती है red color के. One big bowl, ये बड़ा बॉल है. Add straw pieces. वेस्ट ओल्ड दिया, सीजर, इंच टेप, सम कॉर्ड्स. आप यहाँ रस्सी भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप की कलरफुल रस्सियाँ मार्केट में अवेलेबल है. सम गोल्डन बीड्स एंड लूम्स विथ जंप रिंग्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ दिए में पेचकस की मदद से होल बना लेंगे. होल बनाना काफ़ी आसान है, आप इसमें ड्रिल मशीन का यूज़ भी कर सकते हैं. होल हो जाने के बाद हम इसे बर्जर के ऑयल पेंट से पेंट कर लेंगे. ये गोल्डन ब्राउन कलर का शेड है, मैंने इसे पहले से पेंट कर लिया है. इस तरीके से मैंने यहाँ पर 8 दिए कंप्लीट कर लिए हैं. मैंने यहाँ पर ये बाउल लिया है और इसे भी पेंट कर लिया है. एंड हम इसमें 1-1 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से हम इसमें 8 होल बनाएंगे. मैंने इसमें 8 होल्स पहले से बना के कंप्लीट कर लिए. देखिए, आप देख सकते हैं एक जैसी गैपिंग से हमें इसमें होल्स बना लेना है. यहाँ पे जो मैंने एक कॉर्ड लिया है, एक ग्रीन बीड लिया है और बीड्स लिए हैं. ये ग्रीन वाले लूप में हम कॉर्ड को इस तरीके से डाल लेंगे. एंड मैं यहाँ पे दिया यूज़ कर रहा हूँ और ये जो है माइक्रम प्रिंट से बहुत अच्छा होता है, काफ़ी मजबूत होता है एंड प्लास्टिक की होती है, इसीलिए आप इसे पिघला कर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. देखिए ये अटैच हो गया है. एंड अब हम इसमें एक रेड वाली बीट डालेंगे इस तरीके से, देखिए. फिर हम इसमें दिया डालेंगे. दिए को हमने उल्टा डालना है इस तरीके से. वापस से हम इसमें एक रेड वाली बीट डालेंगे, देखिए. फिर हम यहाँ पर स्ट्रॉ डालेंगे. मैंने यहाँ स्ट्रॉ के 2-2 इंचेस के पीसेस कट कर लिए हैं एंड ये काफ़ी इजीली इसमें से आ जाएगा. एंड देन वापस से हम एक रेड बीट डालेंगे. इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है. देखिए, मैंने यहाँ पूरे 8 दिए बना के कंप्लीट कर लिए हैं. अब टर्न आती है कटिंग की. देखिए, यहाँ पे ये मेरी सबसे पहली कॉर्ड है, तो मैं इसे यहाँ से 4 इंचेस पे कट करूँगा. देखिए, इस तरीके से हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे. देखिए, हमने जो है इसे 6 इंचेस पे कट किया है, क्योंकि बीड्स जो है ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने 6 से स्टार्टिंग किया है. अब हम जो सेकंड है इसे 8 इंचेस का कट करेंगे. देखिए, सेकंड वाला जो है मैंने यहाँ 8 इंचेस की कॉर्ड कट की है. अब जो नेक्स्ट है उसे हम 10 इंचेस का कट करेंगे. देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सभी को 2-2 इंचेस बढ़ते हुए कट कर लिया है. सबसे बड़ा दिया 20 इंचेस का है. देखिए, मैंने यह सबसे छोटा वाला ले लिया है, 6 इंचेस वाला. एंड अब इसमें से हम इसे क्रॉस कर देंगे. जो हमने ये बड़ा बॉल लिया है इसमें हम इसे पिरो लेंगे इस तरीके से. एंड फिर जिस तरीके से हमने ग्रीन वाले बीड को लॉक किया था प्लास्टिक की रोप में, उसी तरीके से हम इसे भी लॉक कर देंगे. देखिए, ये लॉक हो गया है. एंड जब हम इसे हैंग करेंगे तो ये इस तरीके से इसमें से हैंग करेगा. इसी तरीके से मैं सभी को इसमें अटैच कर दूंगा. देखिए, मैंने यहाँ पे सभी को अटैच कर लिया है. अब बारी आती है हैंगर बनाने की, यानी जिस पे ये हैंग करेगा. इसके लिए मैंने इस बॉल के सेंटर में भी होल बनाया है, तो चलिए लूप बनाते हैं.
हैंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंचिस के दो कॉर्ड लिए हैं, देखिए ये देखिए 10 इंचिस के दो कॉर्ड लिए हैं, एक इस टाइप का लूप लिया है, ये आपको इजीली किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एक रेड बीट और एक ग्रीन लूप लिया है। इसके बाद में हम इन दोनों कॉर्ड्स को लेंगे और इस ग्रीन लूप को इसमें से पास आउट कर देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी मुश्किल से होगा लेकिन हो जाएगा। देखिए इसे पास आउट करने के बाद हमें ये बीड भी इन फोर कॉर्ड्स में से पास आउट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे पास आउट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ ये बॉल लिया है और इस होल में हम इसे अंदर से पास आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे पास आउट कर लिया है। इसके बाद हम दो को अलग अलग कर लेंगे और सेंटर में से तरीके से इसे डाल देंगे एंड फिर से हम इसे आपस में अटैच कर लेंगे। ये देखिए और अब जो है हमारा झूमर बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसे हम टांग के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने हमारे यहाँ सीढ़ी पे हैंग किया है और यहाँ पे जो है इस तरीके से ग्रीन नेट लगा है, इसीलिए यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है देखिए, लेकिन ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए हम नीचे से व्यू लेते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट करना कभी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।